ठीक है, बट यहाँ पे जो भी सामान यूज करा है हमने वो हमने टॉप क्वालिटी का ही लिया है। तो हम क्या, हम खानदानी माइनर्स है, ठीक है, हम बेयर मार्केट में माइनिंग करते हैं, बुल रन में माइनिंग करते हैं। 400 किलोवाट, ये इतनी इलेक्ट्रिसिटी है कि 200 घरों में जा सकती है बड़ा आराम से। तो अभी 4 लाख का बिल है, अभी 4 लाख। मैं आपको बिल दिखाता हूँ, अच्छा। जो बात कहता हूँ मैं दिखाता भी हूँ, ये पहला बिल है। एक मिनट में जरा फोकस ले तो, ये 1,45,000, ये दूसरा, ये कितना, 1,75,000, और एक ये तीसरा 70, ये तीसरा, वाह जोड़ लो। वही भैया 4 लाख के साथ बैठते हैं, कैलकुलेट करते हैं, हर काम लीगली करते हैं, तो अभी 600 के आसपास चल रहे हैं, 600 के आसपास कार्ड चल रहे हैं, बट फार्म की कैपेसिटी है 1,250 कार्ड इसी इन्हीं 4 रैक में, ऊपर वाले फ्लोर में और ऐड कर सकते हैं। अच्छा, टोटल फ्लोर और ऊपर है, तो हम टोटल इस पोजीशन में कि हम 2,500 कार्ड आराम से चला लेंगे, 2,500 कार्ड बड़े आप आराम से चला सकते हो। मतलब आप वुड पर क्यों नहीं गए, आप मेटल पर क्यों गए, मेटल में करंट, अगर आग लगती है तो, अगर आपको जंगल में आग लगानी है तो लकड़ी लगाओगे ना, तो आपको, अगर आप कह रहे हो कार्ड्स का जंगल है तो उसमें लकड़ी थोड़ी लगाऊंगा। अच्छा, मतलब थोड़ा जलने का खतरा भी रहता है, ये तो बेसिक आप 5th स्टैंडर्ड में सीख लेते हो ये सब चीजें। लेकिन आज के टाइम पे भी ये जो 600 कार्ड है, अगर माइन करने सब देखा जाए, इथेरियम कितना माइन कर देते हैं? थर्मल थ्रॉटलिंग के लिए भी लोग कहते हैं 3-4 साल अगर 24 घंटे 7 दिन चला लें तो इनके जो थर्मल पैड होते हैं वो घिस जाते हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? बाकी बल्क ग्राफिक कार्ड उनके लिए तो मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा, छोटी बच्ची हो क्या, 4,000 रुपए खर्चा आएगा और इसमें 7.5, मतलब ऑलमोस्ट आधे का फर्क आ रहा है। हाँ, जो कि आपके ROI में डेफिनेटली हेल्प करेगा। हाँ, जल्दी पैसा रिकवर होगा भाई, आपको डेफिनेटली बात है, आपने इसमें सॉफ्ट के लिए थोड़ा पैसा लगाया, आपने लगाया कि पैसे से पैसा बने और वो पैसा जल्दी आए। माइनिंग की कम्युनिटी इंडिया में भी बहुत छोटी है, ज्यादा लोग हैं नहीं, और सब एक दूसरे लड़ रहे हैं। भैया कैसे हो? और एकदम बढ़िया यार, आप कैसे हो? बाकी गाइज यहाँ पर देखो कितने सारे ग्राफिक कार्ड है, यहाँ पर जितना पीछे तक देख सकते हो आपको सिर्फ ग्राफिक कार्ड ही ग्राफिक कार्ड दिखेंगे, एंड यहाँ पर यहाँ भी है, यहाँ भी, एंड पीछे भी, एंड मतलब कार्ड ही कार्ड, मतलब कार्डों का जंगल सा, इतने सारे कार्ड। तो भैया थोड़ा अपने बारे में बताइए। मेरा नाम हर्ष गुप्ता है और मेरी कंपनी का नाम नेक्स्टॉन माइनिंग इंडिया है। तो हम थोड़ा बैक एंड में काम करते हैं, यू नो, हमें इतना प्रमोशन की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो जैसे मेरे दोस्त सचिन है, उनने बताया आपके बारे में, मैंने भी आपके काफ़ी वीडियोस देखे और मेरे को काफ़ी मज़ा आया आपकी वीडियोस देखने में। तो मेरे को लगा यार इस चैनल पे तो बनता है, तो आप पहले चैनल हो जो यहाँ पर आए हो, जिसको हमने भी सोचा कि इनको बुलाना चाहिए, you know? सच में भैया कार्ड बहुत सारे गाइस, एक बार खुद बताओ, देखो ये फ्लोर नीचे भरा हुआ, मतलब ऐसे 3-4 फ्लोर है एंड सब में कार्ड आखिरी तक है। अच्छा, यहाँ जब कार्ड चलते शोर भी काफी होता है, वो तो वीडियो के लिए हमने यहाँ पर बंद कर रखे है, मतलब AC भी यहाँ पर 8.5 टन 8.5 टन 3 AC लगे हैं, वो 5.5 टन, तो मतलब और काफी कुछ सीखने के लिए इसमें। आप एक बार वायरिंग यहाँ पर देखो, वायरिंग किस तरीके से करेगी, ये यहाँ पर सब चीजों पर बात करेंगे, मतलब इस फार्म में भैया बहुत कुछ है सीखने लायक है। डेफिनेटली यार, मैं खुद चाहता हूँ कि यू नो इस वीडियो से कुछ लोग कुछ भी सीखे, यू नो, और इम्प्रूवमेंट लाए अपने माइनिंग करियर में या अपने माइनिंग जर्नी में, यू नो। तो गाइज यहाँ पर देखो बहुत सारे, देखो एग्जांपल तौर पे ये कार्ड देख रहे हो, नया सा लग रहा है ना, आई थिंक कितने साल पुराना है भैया कार्ड? ये आपका 4 साल पुराना कार्ड, 4 साल पुराना कार्ड है और आज भी मतलब आप डब्बे में रख के बेच सकते हो इसको। आयुशील दिखाइए आप इसकी, आयुशील ये देखो बिल्कुल नहीं हुआ, मतलब आज के टाइम पर अगर आप इसे डिब्बे के अंदर रख के बेच सकते हो, कह सकते हो भैया 1 महीना पुराना है, कोई यकीन भी नहीं माने, मतलब कह देगा ठीक है भैया। तो गाइस देखो इतने अच्छे तरीके से वेल मेंटेन कर रखा है, यहाँ पर हर तरह कार्ड है, 4 साल पुराने कार्ड मिल जाएंगे जो बिल्कुल न्यू कंडीशन में है, बिल्कुल अच्छे से मेंटेन करा गया। तो यहाँ पर सीखने के लिए देखो काफ़ी कुछ है, कार्ड कैसे मेंटेन करे गए हैं, कितना फेलियर रेट है, कैसे मैनेज करी जाती है सारी चीज़ें, और ये इलेक्ट्रिसिटी और वाईफाई कैसे मतलब करी गई है। तो आई थिंक नीचे टाइमलाइन मिल जाएगी, आप उनका प्रयोग करना, आपको सारे टॉपिक वहाँ पर मिल जाएंगे। बाकी स्टार्ट करते हैं भैया से, बाकी भैया इस पूरे फार्म में टोटल कितने कार्ड होंगे? यार आई थिंक एट द मोमेंट अभी हमने थोड़ा डाउन स्केल करा है, तो अभी 600 के आसपास चल रहे हैं, 600 के आसपास कार्ड चल रहे हैं, बट फार्म की कैपेसिटी है 1,250 कार्ड इसी इन्हीं 4 रैक में, ऊपर वाले फ्लोर में और ऐड कर सकते हैं। अच्छा, टोटल, एक और फ्लोर और ऊपर है, तो हम टोटल इस पोजीशन में कि हम 2,250 कार्ड आराम से चला लेंगे, 2,250 कार्ड बड़े आप आराम से चला सकते हो। बाकी इस पूरे फार्म में 600 कार्ड है, बाकी जिन लोगों को लगता है कि 600 कार्ड नहीं होंगे, बाकी एक आसान तरीका बताया तो कैलकुलेट करने का, गिनने का, देखो इसके अंदर वैसे 8 कार्ड है, आप 6 एक बार टोटल कर लो, 6 और यहाँ पर 6 कितने हो गए, 12, यहाँ भी 6, 18 और एक ये, इन्हें हो गए 24। तो इस पूरे रैग में 4 फ्लोर है, 4 फ्लोर में आ जाता है 24 कार्ड, सिर्फ ये रैग गिन लो फिर इंटू करते चले जाना, 1 रैग 2 रैग 3 4 5 और 6 7 में पूरे कार्ड में, तो 6 यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते, इसी के पीछे आ जाते हैं, यहाँ से 6 रैग यहाँ पर होगी, एंड यहाँ तक मैंने कैलकुलेट किया था तो 6 6 12 और एक ये 13 रैग हो जाती है, 13 भी इसी के पीछे देख लेते हैं, और 13 थी, एंड यहाँ पर भी आई थिंक 3 3 6 यहाँ पर भी 7 है,
तो 13 और 7 20 एंड यहाँ पर आई थिंक 5 है तो 25 रह गए, हर एक के अंदर 24 कार्ड है, 24 × 25 अगर आप करोगे तो ये 600 कार्ड आ जाते हैं। एंड मैं आपको बता दूँ कुछ कार्ड हमने छोड़ दिए थे, तो 600 प्लस कार्ड है यहाँ पर। एंड भैया मैंने तो फॉर्म देखा है, इस पर हर वेराइटी के कार्ड हैं। आप यहाँ पर आई थिंक 1060 1050 TI और 1070, भैया आप बता दिए कौन कौन से कार्ड है इसके अंदर। ऑलमोस्ट हर वेराइटी के कार्ड रहते हैं हमारे पास, हमारे पास वीकली बेसिस पे और कार्ड्स आते हैं और कार्ड्स जाते हैं। हम ग्राफिक कार्ड का सेल्स भी हैंडल करते हैं, तो अभी एट द मोमेंट हमारे पास 1050 TI से लेके 1060 1070 RX 570 RX 580 8GB सारे, और ये 3060 3060 TI, फिर 5700 XT AMD में 5600 XT, ये सब रेयर कार्ड्स हैं। और ऐसे P106, मतलब हर वेराइटी के कार्ड्स है। कुछ लोग कहेंगे कि नहीं ये लो वो पुराना हो गया ये नया हो गया, आप किसी की बात में मत जाओ। अच्छा। आप अपना कैलकुलेशन बैठाओ, आपको प्रॉफिटेबल है तो आप चलाओ। बिल्कुल भैया, काफ़ी सारी चीज़ें जो मुझे आपसे जाननी है सुननी है और अच्छे से डिटेल में जाना है, बाकी तो हम एक एक करके सारे टॉपिक कवर करेंगे। मैं देख रहा था जैसे ये कार्ड है, ये कार्ड आई थिंक पता नहीं फोकस ले पाया कैमरा, आई थिंक काफ़ी अच्छे से क्लीन, आई थिंक कौन सा कार्ड है भैया ये 1050 TI है। 1050 TI है, वाह। और गाइज आप देखो खुद कितने अच्छे से मतलब मेंटेन करा गया, और कितने साल है भैया इनको, कितने साल हो गए ये 2017 मतलब 5 साल हो गए इनको, 17-22 चल रही है और ये 5 साल पुराने, मतलब देखो गाइस आप खुद देखो किस तरीके से इन्होंने मेंटेन कर रखे सारे कार्ड। कभी कोई थर्मल पेस्ट चेंज नहीं, कभी कोई कार्ड को खोल के मजाक नहीं, यू नो आप अगर कार्ड को सही से चलाओगे तो आपको हमेशा चलेगा। तो कैसे चलाते हो भैया आप इन कार्ड को, मतलब क्लीनिंग कैसे आपने बरकरार रखी इन कार्ड्स में? देखो आपको सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि माइनिंग फार्म एक जगह है जहाँ पे आप अपनी कार्ड की लाइफ बढ़ा सकते हो और कंटिन्यूस चला सकते हो। भैया एक बार इधर आ जाओ, पीछे कार्ड देखेंगे ना कितना अच्छा लगेगा। डेफिनेटली, तो मैं आपको जैसे दिखा रहा हूँ, हमने सबसे पहले कार्ड नहीं लगाए। कुछ लोग क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में कार्ड भी चला रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का काम सेम टाइम हो रहा है, एसी का काम सेम टाइम हो रहा है, यू नो ये हो रहा है वो हो रहा है, वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे। हमने पूरा टाइम डाला है इलेक्ट्रिसिटी पहले सॉर्ट आउट करने में, कि हम जो फ्यूचर का एक्सपेंशन का भी सोच रखा है वो भी फुलफिल हो। ये नहीं बाद में आके मैं ये वायरिंग काट रहा हूँ फिर कुछ कर रहा हूँ लगा रहा हूँ, ये सब बेकार है। आप तो पहले फैसिलिटी बनाओ अपनी। इलेक्ट्रिसिटी को तो मैंने देखा काफी अच्छे से कर रखा है, बिल्कुल मीटर लगा रखे हैं एंड ये एंड तार की मैनेजमेंट, इस पे तो मैं एक अलग वीडियो लेके आऊंगा कि भैया ने कैसे यहाँ पर तार मैनेज कर रखे है, यहाँ पर बोर्ड कौन से कितने किलो वॉट उनके मतलब ले सकते हैं झेल सकते हैं और कितने इस फार्म को एक्सटेंड कर सकते हैं, इसके ऊपर तो एक अलग वीडियो आएगी कि आप अपनी रिग में कैसे वोल्टेज पता कर सकते हो, कैसे मैनेज कर सकते हो और किसी बड़े फार्म में कैसे मैनेज करा जाता है, तो उसके लिए तो डिटेल वीडियो आएगी। बाकी भैया बताओ, मैं क्लीनिंग के ऊपर बात कर रहा था, तो कैसे क्लीन रखते हो इन कार्ड को और क्यों रखते हो? वो माइनर के ऊपर है कि वो कैसा कार्ड रखना चाहता है, वो कार्ड को कितना वैल्यू करता है, राइट। अगर वो माइनर ये कार्ड आगे गेमर को बेचने का भी माइंडसेट रख रहा है कभी अच्छी वैल्यू मिलने पे, तो वो ऐसा कार्ड मेंटेन करे कि वो आगे बेच पाए, राइट। ये नहीं साफ करके दे दिया, ऐसा ही कार्ड बेचो जो तुम खुद किसी से कभी खरीद सकते हो, राइट। तो मतलब आप इन कार्ड को खरीद के चलाते भी हो फिर बाद में रीसेल भी करते जी, हो, तो रीसेल अच्छे से हो जाए इसलिए आप क्लीन करते हो। डेफिनेटली। और क्या कारण है कि आप इन्हें बिल्कुल मतलब आपने जो 3-4 साल पुराने कार्ड वो भी आज भी न्यू जैसे लगते हैं, और क्या कारण मतलब आप क्लीन रखते? देखो क्या धूल की वजह से कार्ड पे लाइफ पे फर्क पड़ता है? जी डेफिनेटली यार, धूल हो गया, टेम्परेचर डिफरेंस हो गया, यहाँ पे एक ही टेम्परेचर मेंटेन होता है पूरे दिन, एक ही टेम्परेचर रहता है जी, एक ही टेम्परेचर मेंटेन होता है। अभी आपका टेम्परेचर ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है कम हो रहा है ज्यादा हो रहा है, उसके कारण क्या होता है, इनके जो पीसीबी के छोटे पार्ट्स होते हैं ना मतलब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं एक्सपैंड होते हैं, साइंस लग जाती है, वो साइंटिफिक जो टर्म है कि भाई वो एक्सपैंड हो रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं हीट की वजह से और वापस ठंडे होने की वजह से, इन सब के कारण कार्ड में प्रॉब्लम आ सकती है लॉन्ग रन में। अच्छा लोगों को बता देता हूँ, भैया ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर जो मैंने एसी लगा रखे कूलिंग रखी है वो इसलिए रखी है क्योंकि अगर गाइस आपको पता हो जो गर्मी रहते है गर्मी में लोहा फैलता है और सर्दी में सिकुड़ता है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक अंदर कंपोनेंट्स होते हैं वो अगर मतलब जब हीट होंगे तो एक्सटेंड होंगे और जैसे ठंडे हो जाएंगे तो उसकी वजह से कंपोनेंट जल्दी खराब होता है, तो एक ये मेन कारण होता है। पर अगर आप समझ पाओ डिटेल में तो इसीलिए तो यहाँ पर एक ही टेम्परेचर रखते हैं, एक ही टेम्परेचर पर पूरे कार्ड पूरा फार्म चलता है, तो उसकी जो लाइफ है बढ़ जाती है। आई थिंक तभी यहाँ पर कुछ कार्ड ऐसे जो 5 साल पुराने और आज भी बड़े आराम से चल रहे हैं। किसी कार्ड का फैन नहीं बदला हमने,
लोग प्रॉमिस कर रहे हैं कि भाई फैन 1000 रुपए का आता है, 2000 रुपए का आता है, यू नो हम तो फैन बदल देंगे. पर ये देखो ना, फैन अगर 100% फैन स्पीड में चल रहा है, मतलब अंदर इतनी गर्मी हो रही है राइट, तभी उतना फैन स्पीड में चल रहा है. कौन सा वो लोग जब बेच रहे हैं आपको साथ में एक फैन किट भी फ्री दे रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है ना, बस बोलने की बात है. बाकी मैनेज कैसे करते हैं सारे कार्स को, पूरे फार्म को? मतलब यहाँ पे 3 employees हैं, तो ये 24 hours यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स रहता है. और इंटरनेट के 4 backup हैं, इंटरनेट के 2 वहाँ पे, एक इंटरनेट ये, एक इंटरनेट ऊपर वहाँ पर, और एक यहाँ लगा हुआ है. तो 3 और वहाँ एक और 4 है, एक लास्ट में इंटरनेट. तो मतलब 4 internet लगा रहेगा अगर इन केस इंटरनेट में कोई फेलियर आता है तो. और इनमें से 3 gigabit इंटरनेट है और एक मतलब 250 Mbps का बेसिक वाला, एक पूरा पीछे. ये सब गीगाबिट इंटरनेट है, गीगाबिट. अच्छा भैया, मैं एक चीज और पूछ रहा था. मैंने ज्यादातर फार्म देखे हैं, काफी जगह मैं गया, जैसे गुजरात में गया, दिल्ली में बहुत सारे फार्म कवर करे हैं, और भी कई जगह देखे. ज्यादातर फार्म लोगों ने लकड़ी के मतलब वुड पे, वुड का फ्रेम बना के लगाए थे, आपने यहाँ पर मेटल यूज कराया, मतलब क्या कारण है? जो लकड़ी का अगर आप इतना इलेक्ट्रिसिटी से खेल रहे हो लिटरली माइनिंग में, और आपका ये जो इलेक्ट्रिसिटी के साथ एक कुत्ते बिल्ली वाला गेम है राइट, कि भाई इलेक्ट्रिसिटी आप मौका दोगे इलेक्ट्रिसिटी आपको खा जाएगी. मतलब आप वुड पर क्यों नहीं गए, आप मेटल पे क्यों गए? मेटल में करंट, अगर आग लगती है तो, अगर आपको जंगल में आग लगानी है तो लकड़ी लगाओगे ना. हाँ, तो आपको अगर आप कह रहे हो कार्ड्स का जंगल है तो इसमें लकड़ी थोड़ी लगाऊंगा. अच्छा, मतलब थोड़ा जलने का खतरा भी रहता है. ये तो बेसिक आप क्या 5th standard में सीख लेते हो ये सब चीजें. बिल्कुल, फिर भी कुछ बड़े लोग भी ये सब गलतियां कर रहे हैं, ये सही बात नहीं है. बट हर एक का अपना अपना होता है यार, यू नो उसको कितनी रिस्क पता है, सबको रिस्क पता है. भैया जैसे यहाँ पर 600 कार्ड हैं और आई थिंक जब सारे चलते होंगे, और एसी भी यहाँ पर 8-8 ton के लगे हुए हैं, वो भी 2-2, 3-3, तो यहाँ पर जो बिजली का बिल होता होगा वो भी बहुत अच्छा खासा आता होगा. डेफिनेटली यार, आप कितना बिल आ जाता है भैया? अभी जैसे कि इस महीने हमने, जैसे मैंने बताया, डाउन स्केल करा है, थोड़े कम कार्ड चल रहे हैं अभी 600 आसपास, तो अभी 4 lakh का बिल आया. अभी 4 lakh मैं आपको बिल दिखा देता हूँ. अच्छा, जो बात कहता हूँ मैं दिखाता भी हूँ. ये पहला बिल है, एक मिनट में जरा फोकस ले लेता हूँ. ये 1,45,000. ये दूसरा, ये कितना, 1,75,000. और एक ये तीसरा 70,000. ये तीसरा, वाह, जोड़ लो. वही भैया 4 lakh के आसपास बैठते हैं अगर कैलकुलेट करें तो. हर काम लीगली करते हैं. हाँ, ये ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है हमें. यहाँ कितने रुपए यूनिट है वैसे? हम जैसे हम रिकॉर्ड कर रहे हैं चेन्नई के आसपास, हम रिकॉर्ड कर रहे हैं इस वीडियो को, तो यहाँ क्या क्या यूनिट है? यहाँ पे आपको 8 rupees से कम पड़ जाता है. 8 rupees से कम पड़ जाता है, ओके. बाकी इलेक्ट्रिसिटी भैया बिल तो काफी अच्छा आता है. बाकी ये कार्ड भी तो बहुत सारे, 600 कार्ड. जब यहाँ पे और कार्ड थे तो. स्ट्रेंथ कितनी है इसकी? यहाँ पे 9 lakh का बिल भरा है मैंने. 9 lakh का बिल भरा है आपने यहाँ पर, जब पूरी स्ट्रेंथ में चलता है फार्म. यस, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ना, हो सकता है अगले महीने आप आ जाओ वापस और मैं आपको दिखा दूँ और 1000 कार्ड लगे हुए. हमारे पूरा साइकिल है ये. पूरा पूरा फार्म कितनी किलो वॉट पे चलता है वैसे? ये अभी एट प्रेजेंट, कुछ लोग पहले बताओ किलोवाट कितनी होते हैं, जरा घर के कंपैरिजन बताओ. देखो पहले आता है वाट, जैसे कि 9 watt का बल्ब हो गया, 10 watt का बल्ब हो गया, उसके बाद आता है एसी. मैं जनरल रेफरेंस दे रहा हूँ, एसी होता है 1.5 kilowatt का रफली, मतलब 1500 watt का. हाँ, 1.5 kilowatt पे एसी चलता है जी रफली. हाँ, रफली. फिर उसके बाद आप ये मान लो कि 100 kilowatt हो गया, तो एक घर में नॉर्मली 2-3 kilowatt में घर का गुजारा हो जाता है. हाँ, अच्छे घर का डेफिनेटली, जहाँ पर आप एसी 2 AC आराम से चला सकते हो उस घर में. और ये जो पूरा फार्म है इसकी कैपेसिटी मतलब कितने किलोवाट आती है यहाँ पर? यहाँ पर टोटल हमारी 200 kilowatt इस वाले फ्लोर की कैपेसिटी है. और दूसरी लोकेशन 200 kilowatt, मतलब 100 घर जितनी बिजली यहाँ पर. 200 kilowatt यहाँ की है और 200 kilowatt दूसरी लोकेशन की है. यही मैं आप अपनी सिटी के जो फार्म से उनके बता रहा हूँ. तो टोटल ऑलमोस्ट हम 400 kilowatt आराम से लोड ले सकते हैं. Okay. और हमारा पर्सनल ट्रांसफार्मर है तो हम और पावर ले सकते हैं, हमारी कैपेसिटी बाकी है. ओके, मतलब 400 वाट इतना होता है, मतलब 200 घर में इलेक्ट्रिसिटी दी जा सकती है. 400 kilowatt. हाँ, 400 kilowatt, ये इतनी इलेक्ट्रिसिटी है कि 200 घरों में जा सकती है बड़ा आराम से. अभी तो पर आई थिंक अभी जितने कम कार्ड चल रहे हैं ना, तो 100 kilowatt के आसपास अभी कंजम्पशन है. 100 kilowatt. बाकी भैया यहाँ पर काफी सारे कार्ड है, मुझे दिखा सकते कौन कौन से कार्ड है, जैसे थोड़ा सा लोग पूछते हैं. देखिए आप ये देख सकते हैं, गैलेक्सी 1066 GB है, ये 1066 GB, ये 578 GB है, ये 578 GB, फिर ये 488 GB है. ये कौन से? ये मेरे ऑलमोस्ट वन ऑफ द ओल्डेस्ट कार्ड्स हैं, 2016 के कार्ड्स हैं. 2016 के हैं, कितने साल हो गए इनको? इनको आप 7 साल चल रहा है, छठा साल चल रहा है इनको, छठा सातवां है. ओके, ये 588 GB है. 580, वाओ, ये तो बड़ा प्यारा लगता है मेरे को. कौन सा है एडिशन? ये MSI गेमिंग एक्स. ओके, बाकी आपका फेवरेट कार्ड कौन सा है जो मतलब आपको बहुत पसंद है? मेरे को ये कार्ड्स पसंद है, सफायर के स्पेशल एडिशन है. ये इकट्ठे करने पड़ते हैं, एक जगह से आपको ज्यादा मिलेंगे नहीं. ये कितना टाइम चले हुए वैसे? ये अभी पिछले हफ्ते लगे हैं यार, ये कैसे आए हैं.
अच्छा अच्छा, फिर भी हम ये कंडीशन देख रहे हो? हाँ, काफी अच्छी कंडीशन है। हम वही ट्राई करते हैं कि जो कार्ड हम ला भी रहे ना कहीं से, मैक्सिमम अच्छी कंडीशन में लाएं ताकि हम किसी को आगे बेचे ना उसको प्रॉब्लम ना आए बाद में। बिल्कुल। और कौन कौन से कार्ड? आई थिंक ये वाले कौन से, मुझे 1050 ये 1050 आई है, ये अभी बस ऐसे ही लगाए हैं, अभी कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। डेफिनेटली। और ये P106 है, ये पुराने माइनिंग के कार्ड्स हैं, माइनिंग स्पेसिफिक डिस्प्ले पोर्ट नहीं आता है। ये 1060 है, ये 1060। ओके, पुराने कार्ड कौन कौन से है? ये कौन से 1060 जोटेक? हाँ, ये सब जोटेक। वाओ, कितने पुराने हैं भैया ये? 2017-18, मतलब 5 साल पुराने। एक बार मैं थोड़ा सा दिखा तो गाइस, पता नहीं आपको दिख रहा होगा, देखो अंदर कोई धूल वूल नहीं है, पावर सप्लाई को। अब कार्ड देखो, कार्ड के अंदर कोई धूल नहीं है बिल्कुल भी। ये 1660 सुपर है, ये 1660 सुपर, ये 1360 जो टेक कलरफुल टीआई भी है, ये 578 जीबी, ये फिर नीचे सर्वर केस लगे हुए हैं। अच्छा, नीचे सर्वर केस भी आपने लगा रखे हैं। यहाँ पर 5700XT है, ये 5700XT, ये 5600XT है। अच्छा, एक कार्ड यहाँ पर यूनिक लगा हुआ है, ये रेडियो का, ये कौन सा लगा हुआ है? ये 5700XT। अच्छा, सारे 5700XT है। ओके, अच्छा, ये ब्लोअर एडिशन आई थिंक। ओके, यहाँ पर तो भैया काफी सारे, ये 5600XT ट्रिपल फैन है। ओके, फिर आप इधर आएंगे तो यहाँ पे आपको 588 GB मिल जाएंगे, 5600XT मिल जाएंगे, और 5600XT और है, 588 GB है। मतलब हमेशा कुछ ना कुछ आता रहता है, कुछ जाता रहता है, मिक्स रहेंगे हमेशा। अच्छा भैया, एक चीज मुझे बताइए, जैसे यहाँ पर 24 घंटे 7 दिन ये कार्ड चलते हैं, इनके लाइफ पे कुछ फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बस। मतलब काफी लोग कहते हैं कि यार किसी ने अगर माइन कर रखा है, मतलब कोई कार्ड है 5 साल माइनिंग में चला लिया, तो उस कार्ड को यूज करने लायक कुछ रहता नहीं है। देखो, अगर आप एक गेमिंग पीसी भी ले लोगे ना, तो नॉर्मली मान लो आपके रूम में एसी भी है, पर जब आप उस रूम में नहीं बैठे हो तो आप विंडो खोल के बैठे हो या कुछ कर नहीं रहे हो तो विंडो खोल देते हो, धूल मिट्टी आती है, राइट? और आपका एसी आपका मान लो 20 डिग्री टेम्परेचर कर दे रहा है रूम का, फिर दिन के टाइम उसका टेम्परेचर जा रहा है 30 डिग्री, ये वेरिएशंस आ रहे हैं, डस्ट आ रही है, धूल आ रही है, रस्ट होने के चांसेस हैं, क्योंकि मॉइस्चर कंट्रोल नहीं रहता ना इन सब जगहों में। यहाँ पे एसी लगाए इसलिए कि मॉइस्चर कंट्रोल हो जाए, यू नो मॉइस्चर से क्या होता है, रस्ट आ जाती है। अभी आप ये कोई भी कार्ड उठा लो, ठीक है, इसका आप देखो, एक पॉइंट आपको रस्ट का नहीं मिलेगा, कोई सा भी कार्ड आप दिखा दो, एक पॉइंट रस्ट का नहीं मिलेगा आपको। बिल्कुल भैया, बहुत अच्छे से मेंटेन कर रखा है। एंड ये एक सालों पुरानी कार्ड है, मतलब एक साल नहीं, 2 साल नहीं, 3-4 साल पुरानी कार्ड है, मतलब धूल दिख ही नहीं रही है। मतलब कुछ तो मुझे कार्ड ऐसे लगे कि आप उन्हें बॉक्स में रख के न्यू कह के बेच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। बाकी भैया, मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा, थर्मल थ्रॉटलिंग के लिए भी लोग कहते हैं 3-4 साल अगर 24 घंटे 7 दिन चला लें तो इनके जो थर्मल पैड होते हैं वो घिस जाते हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखो, सबसे पहले आप अपने कार्ड की फैन स्पीड मॉनिटर करो, राइट? अगर आपका फैन स्पीड 100% पे चल रहा है, 90% पे चल रहा है, 80% पे चल रहा है, इसका मतलब है कि वो कार्ड हीट हो जा रहा है अंदर से, वो थर्मल पैड लीक होने लग जाएंगे, थर्मल पेस्ट है वो पूरा बर्बाद होने लग जाएगा। तो किस चीज की वजह से होती जाती है ये? आपका जो एम्बियंट टेम्परेचर कहते हैं ना, कि आपका जो सराउंडिंग टेम्परेचर है ना, वो आप कम मेंटेन करिए, कम मेंटेन करिए, कम से कम ट्राई करिए कि जो हीटिंग है वो हीटिंग ना रहे, कम रहे जी, वो कूलिंग ज्यादा रहे। यहाँ पर जनरली जब आप पूरे फार्म पूरी कैपेसिटी पे चलता है और ये 3 AC चलते हैं, कितना टेम्परेचर रहता है यहाँ पर? यहाँ पे मैक्सिमम आपको 28 डिग्री जा सकता है मैक्सिमम। अभी मैंने दिखाया था 22-23। हाँ, मैंने देखा था जब हम वीडियो शूट करने से पहले जो प्लान कर रहे थे, अब 22 था यहाँ पर टेम्परेचर, बाकी मैक्सिमम तो कभी कभी 28 चला जाता है। देखो, एकदम एक्सट्रीम समर हो जाए, हो सकता है 30 भी चल जाए, यू नो अब वो तो अब कुछ आप कह नहीं सकते, बट 30 डिग्री 28 डिग्री समर में यार बहुत अच्छा टेम्परेचर रहता है। बाकी भैया, ये तो हो गया रूम का टेम्परेचर, बाकी कार्ड का कितना टेम्परेचर रहता है? कार्ड का टेम्परेचर डिपेंड करता है कि कुछ कार्ड्स 43-50 डिग्री पे भी चल रहे हैं, कुछ कार्ड्स आपको 65 डिग्री पे भी चल जाएंगे यहाँ पे। बाकी भैया, कौन से पूल पे आप माइनिंग करते हो? मतलब मैं अभी एजिल को यूज कर रहा हूँ। एजिल में आप क्या कर सकते हैं, जिलिका और इथेरियम दोनों यूज ड्यूल माइन कर सकते हैं। और तो आप इस पर ड्यूल माइनिंग करते हो? जी। तो डुअल माइनिंग में कौन सा माइन करते हो, टोन या कौन सा? नहीं, वो सब बेकार है यार, उससे आपका पावर कंजम्पशन और बढ़ जाता है। ये तो ये बात हो गई कि आपने रेवन कॉइन माइन नहीं करा क्योंकि उस पर पावर ज्यादा कंज्यूम होती है, और फिर आप इथेरियम को रेवन कॉइन जैसे माइन कर रहे हो, राइट? आप खुद को ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ, क्या नहीं करना चाह रहा हूँ। आप थोड़ा समझ के डिसीजन लो। एजल में क्या है, आपके कार्ड पे लोड नहीं आ रहा है। एक बार थोड़ा सा भैया आ गया जो, और कौन सा आप यूज करते हो? मतलब एजल नाम से एक पूल है, EZIL, तो अभी हम वो यूज कर रहे हैं। तो उसमें क्या है, आपको 2% से 5% तक एक्स्ट्रा इनकम आ जाएगी आपकी। ओके,
बाकी डुअल कॉइन में आप डुअल कॉइन में माइन करते हो यहाँ पर? मैं ज्यादा बिलीव नहीं करता, टॉन हो गया, ये दूसरा एल्केमी हो गया, ये सब मैं इतना बिलीव नहीं करता उन पे। ओके बाकी भैया यहाँ पर जैसे लोगों ने रिग विग लगा रहे हैं, कुछ लोग काफी लोग न्यू आ रहे हैं इंडस्ट्री में, लोग कहते हैं भैया आरओआई बताओ क्योंकि मार्केट तो काफी नीचे जा चुका है, तो क्या कहते हो मार्केट के हालात और आरओआई क्या कवर होगी, मतलब आप बताओ अपने हिसाब से। देखो इसको आप है ना ऐसे आरओआई टाइप मत सोचो, इसको आप ये सोचो कि भाई आपको मान लो बिटकॉइन में बिलीफ है कि भाई बिटकॉइन अच्छा कॉन्सेप्ट, आपने पढ़ लिया उसके बारे में, ठीक है, या आपको लग गया कि भाई इथेरियम अच्छा कॉन्सेप्ट है, इथेरियम अच्छी करेंसी है, तो इथेरियम के लिए तो आप ग्राफिक कार्ड लोगे, बिटकॉइन के लिए आप एसिक माइनर्स लोगे, राइट। तो आपने क्या करा है कि आपको इथेरियम का कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, इथेरियम पे आपको ट्रस्ट है पूरा पढ़ने के बाद, तो आपने एक मशीन खरीद ली जिससे आप चाहे इथेरियम लाख रुपए का हो, 10 लाख का हो या 50,000 का हो, आपको अपनी फिक्स्ड प्राइस में आपका इथेरियम मिल जाएगा। थोड़ा ऊपर नीचे हो जाते हैं रिवॉर्ड, ठीक है, बट जब आप एवरेज करोगे तो अगर आप इन्वेस्टमेंट ही आपको इन्वेस्टमेंट ही करना था इथेरियम में, तो आपको सस्ती प्राइस में इथेरियम मिल जाएगा मंथली। ओके बाकी आज के टाइम पे अगर क्या सजेस्ट करोगे आरओआई कितने टाइम में रिकवर हो जाती है? देखो अगर आप सही से करोगे ना, अगर आपका कैलकुलेटर दिखा रहा है कि आप 6 महीने में आरओआई कर लोगे, बट अगर आप उसको 24/7 चला ही नहीं पा रहे हो, बस इधर उधर धक्के खा रहे हो, भाई कोई फिक्स कर दो, ये कर दो, या क्या सेटअप कर दिया, ड्यूल पावर सप्लाई सेटअप कर दिया, मेरे से नहीं चल रहा है, कुछ भी हो रहा है, राइट, तो आपकी वो 6 महीने की आरओआई जो कैलकुलेशन बेस्ड है वो हो जाएगी 10 महीने की आरओआई। ओके और आप इसमें एक्सपेंस भी तो करोगे ना कि भाई किसी को फिक्स करने के चार्ज दे दिए, कोई वो बोलेगा ये पार्ट बदलना है, ये सब आपकी आरओआई बर्बाद हो जाएगी। तो आपको आरओआई कॉन्सेप्ट से नहीं जाना है, आपको बस ये देखना है कि भाई आपका जो सामान है जिसके आपने ग्राफिक कार्ड खरीदे, आपको ग्राफिक कार्ड की भी प्राइस मॉनिटर करनी है। आपने मेरे से 10,000 में ग्राफिक कार्ड लिया, अभी बुल रन या थोड़ा मार्केट पंप हुआ या डिमांड बढ़ी है, कोई भी सिलिकॉन शॉर्टेज होगी, तो आपको उस टाइम पे अपना हार्डवेयर बेच के भी आप प्रॉफिट बना सकते हो। बिल्कुल भैया, राइट। बाकी आप कौन सा कॉइन यहाँ पर माइन कर रहे हो सभी कार्ड्स में? इस वाले फार्म में मोस्टली इथेरियम, इथेरियम क्लासिक और ये जिलिका। अच्छा इथेरियम तो जो 30 सीरीज या फिर जो 8 GB कार्ड है, बाकी जो 4 GB के उन पे मैं इथेरियम क्लासिक सोलो माइनिंग, इथेरियम क्लासिक में माइन कर रहे हो, और तीसरा तो आपने बताया था सब पे चला जो डुअल माइनिंग, डुअल माइनिंग में आप यूज कर रहे हो। ओके बाकी भैया आप मुझे बताओ जैसे यहाँ पर आपने पावर सप्लाई जो मैंने देखी यहाँ पर आपके पास सबसे ज्यादा जो यूज हुई है वो कॉर्सेयर की 1000 यूज हुई है, मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ, जैसे यहाँ पर भी कॉर्सेयर है, यहाँ पर भी कॉर्सेयर है, तो इसका कारण क्या है, मतलब कॉर्सेयर क्यों यूज करें आपने 1000 माइनिंग पावर सप्लाई भी आती है? देखो हमने वो भी यूज कर रखी है, ठीक है, बट यहाँ पे जो भी सामान यूज करा है हमने वो हमने टॉप क्वालिटी का ही लिया है। टॉप क्वालिटी जी, एंटेक में भी आपको 1000 वॉट मिल जाएगा, बट उसका 1000 वॉट मेरे को पर्सनली इतना अच्छा सही नहीं लगा। एंटेक में मेरे को 750 वॉट सही लगी, इसमें 6 PCI पोर्ट्स हैं, इसमें 6 और कोई बर्न नहीं हुआ अभी तक, एंटेक ये 80% गोल्ड पावर सप्लाई है, तो आप ये मत देखो बस एंटेक का 1000 वॉट है या कॉर्सर का 1000 वॉट है, उसके और स्पेसिफिकेशन रहते हैं, ब्रॉन्ज रेटेड है, गोल्ड रेटेड है, उसमें कितनी वारंटी है, आप सब देख के अपना डिसीजन। तो आई थिंक क्वालिटी काफी अच्छी है कॉर्सर 1000 में, इसीलिए आपने कॉर्सर यूज करी है, बाकी माइनिंग बोर्ड भी मतलब सॉरी माइनिंग पावर सप्लाई आपने यूज करी है, बट आप प्रेफर करते हो कॉर्सर को? डेफिनेटली। ओके और बाकी भैया मैं दूसरा पूछना चाहूंगा, पावर सप्लाई जैसे होगी यहाँ पर बोर्ड आई थिंक कौन सा आपने यूज करा सबसे ज्यादा? यहाँ पे हमारे पास एक्सेस में भी यही पड़े और यही बोर्ड हम यूज करते हैं, गीगाबाइट के H110। गीगाबाइट H110 जी। कितने स्लॉट होता है इसके अंदर? होता है D3A मॉडल है H110 का, इसमें 6 पोर्ट्स रहते हैं। 6 पोर्ट जी, तो 6 ग्राफिक कार्ड बड़े आराम से चलते हैं, 5 ही चलते हैं इसमें भाई आराम से, सब में 6 लगे हैं ना, सब में 6 लगे हैं। छठा कार्ड हमने शो के लिए थोड़ी लगाया है। बिल्कुल बिल्कुल भैया सब में 6 कार्ड लगे हैं, बड़े आराम से चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। बाकी भैया आपने B450 जैसे मदरबोर्ड क्यों यूज नहीं करे, कारण? देखो यार हो सकता है कुछ लोगों को वो सूट करे, राइट, बट जब हमने परचेज करा था ये बेस्ट ऑप्शन था, और मैं AMD मदरबोर्ड्स कम प्रेफर करता हूँ, राइट, क्योंकि इंटेल में क्या बेस्ट बात है, जो लो एंड प्रोसेसर रहते हैं उन सब में आपको डिस्प्ले सब मिल जाएगा। हाँ अभी उनमें ये लो वही प्रोसेसर एक ही ऑप्शन है, ये फिर 5 ही चल रहे हैं 6 चल रहे हैं, इन बोर्ड्स में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहती हमेशा। ओके इन बोर्ड में मतलब आपका जो एक्सपीरियंस है काफी अच्छा है, ये गीगाबाइट के जो है H110। ओके बाकी भैया जैसे मैं यहाँ पर देख रहा था ये तो हो गए कुछ ऐसे बोर्ड जिसमें आप राइजर केबल लगा के कार्ड को चला सकते हो, ये बोर्ड का बताओ राइजरलेस बोर्ड, इन्हें लगाने का कारण मतलब ज्यादा भी नहीं थे आपके फार्म में, आई थिंक 10-15 हैं, 10-15 मैं वही बोलना चाहता था, 10-15 तो है, इन्हें लगाने का कारण क्या है मतलब? देखो अभी फ्यूचर के लिए भी हमें परचेज करना है ना कुछ, तो हमने सोचा चलो ये एक बार ट्रायल करते हैं, ट्रायल करते हैं। जो मेरे दोस्त है सचिन जिनसे आप मिल चुके हैं, तो उनने बोला सचिन से लिया है ना ये, जी सचिन बोल्ट एंटरप्राइज से हमने परचेज करा, सचिन कहीं देखे थे मैंने भैया,
अरे देखो लगे दिख जाएंगे गाइस, ये रहे सचिन भैया। एकदम बढ़िया भैया, क्या हाल है आपके? बस बढ़िया। तो भैया बोर्ड यहाँ पर आपके बोर्ड चल रहे, कारण क्या है? मतलब भैया को अपग्रेड करने थे, कुछ बोर्ड परचेज करने थे, तो उनको मैंने ऑप्शन दी कि आप राइजरलेस मदरबोर्ड ट्राई करके देखो और उनको सूट करें। कारण क्या है? मतलब कंपैरिजन कराया जाए गेमिंग बोर्ड और मैं आपको कंपैरिजन करके बता देता हूँ। रेट मैंने लिख रखे हैं। अच्छा, कैलकुलेशन पहले बैठा रखे हैं। आपने मार्केट में देखा होगा B450 एथलॉन 3000G के साथ बहुत फेमस है, जो माइनिंग में बिक रहा है, ठीक है ना। उसका अगर मैं रेट कैलकुलेट करके आपको बता दूं, B450 10000 के आसपास मिल जाता है, एथलॉन 3000G 6000, रैम आपकी 2000, राइजर की 6 राइजर की किट आपकी 4200 के अंदर, 7 × 6 जो भी अमेजोन में मिल रही है। और फ्रेम मैं यहाँ पे चाहे आप वुड का लगाओ या मेटल का लगाओ, 3000 का कवर कर रखा है। तो और पावर सप्लाई आपकी 850 वॉट की, दो पावर सप्लाई कंबाइन करके 20000, टोटल कॉस्टिंग बैटरी 45200 की। अगर आप पर कार्ड पर स्लॉट का रेट निकालोगे, एक कार्ड को चलाने में कितना खर्चा आ रहा है, चलाने में 7533, 7500 रुपए खर्च हुआ कॉस्टिंग आ रही है। वही चीज फिर मैंने कंपेयर करी राइजरलेस मदरबोर्ड के साथ कि राइजरलेस मदरबोर्ड पूरा कॉम्बो विद प्रोसेसर एंड रैम 16000 का आपको मिल जाएगा, 16000 का, जिसमें 8 पोर्ट है, 8 स्लॉट का राइजरलेस मदरबोर्ड एंड आपकी 250 वॉट की पावर सप्लाई 16000, 2500 वॉट जी। और अगर ये 2500 वॉट तो इससे ज्यादा हो जाते हैं ना, ये 850 आपको दो पावर सप्लाई, लोग क्या करते हैं तीन पावर सप्लाई, ये तो 1700 वॉट बैठी है एंड वो 200 स्ट्रेट अवे 2500 वॉट आई थिंक यहाँ पर पावर सप्लाई हैवी मिल रही है। हाँ, अब जैसे भैया ने सर्वर केस यूज नहीं किए जैसे छोटे कार्ड्स थे, तो उनको सर्वर केस की नीड नहीं पड़ी, तो उनको पर कार्ड पर पोर्ट की कॉस्ट 4000 मतलब पड़ जाती है। जैसे भैया ने ओपनली जैसे लगा रखे थे, पावर सप्लाई यहाँ पर ले ली, मदरबोर्ड यहाँ पर ले ली एंड 32000 रुपए खर्च करने पड़े उन्हें, मतलब उसके उनकी कॉस्टिंग बैठी है 4000। मतलब अगर आप देखोगे तो 12-13000 रुपए कम लगे ऐसे कंपैरिजन। और हाँ, यहाँ 6 कार्ड चलेंगे, यहाँ 8 कार्ड चलेंगे, तो एक कार्ड पे चलाने की कीमत 4000 आ रही है। एंड सर्वर केसेस में और इंक्लूड कर लेते हो देन कॉस्ट आ जाती है आपकी 5000। तो मतलब अगर बिना सर्वर केस के चलाते तो 4000 रुपये खर्चा आएगा और इसमें 7.5, मतलब ऑलमोस्ट आधे का फर्क आ रहा है। एंड अगर सर्वर केस लगा ले तो जैसे पंखे वंखे भी होते हैं तो उसके साथ आएगा 5000 रुपये, तो मतलब प्राइस का काफी बड़ा फर्क पड़ जाता है। यहाँ आप अपनी कॉस्ट कटिंग कर सकते हो। हाँ, जो कि आपकी ROI में डेफिनेटली हेल्प करेगा। हाँ, जल्दी पैसा रिकवर होगा भाई। ऑफ कोर्स डेफिनेटली बात है, आपने इसमें शौक के लिए थोड़ा पैसा लगाया, आपने लगाया कि पैसे से पैसा बने और वो पैसा जल्दी आए। ओके, नहीं भैया सही है। बाकी वारंटी आई थिंक कितनी रहती है? वारंटी आपका मदरबोर्ड में 1 साल की रहती है, सेम पावर सप्लाई। बाकी क्या कहते हो, कितने टाइम तक चलता है? आप तो काफी टाइम से बेच रहे हो सब चीजें। जैसे आपने भैया का फार्म देखा, कुछ कार्ड्स और मदरबोर्ड 5-5 साल तक रनिंग है। टोटल डिपेंड करता है कि आप किस कंडीशन में चला रहे हो। ओके, सो गाइज ये कैलकुलेशन है, ये तो आप भी कर सकते हो आई थिंक। इसीलिए आई थिंक मैं कुछ टाइम से देख रहा हूँ जितनी माइनिंग रिग बन रही है ना, वो थोड़ा इसकी सर्वर केस की तरफ जा रहे हैं। लोग मुझसे कहते हैं अच्छा भैया, कुछ लोग बोलते हैं जैसे ये सर्वर केस अच्छे नहीं, मतलब काफी लोग क्रिटिसाइज करते हैं, कहते हैं अगर इतने अच्छे होते तो कंपनियां बना रही होती नहीं। मैं आपको एक और मजेदार चीज दिखाता हूं, ये तो अपना सर्वर केस हो गया। हां ये हो गया। ओके, आजकल बिक ही रहे हैं, 8 स्लॉट इसके अंदर होते हैं, पावर सप्लाई होती है। ओके, क्या दिखाने वाले भैया? ये तो AMD की वेबसाइट है, AMD की आप गूगल करोगे AMD एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, तो ये कोई नई चीज नहीं है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पहले से अवेलेबल है। और जो लोग कहते हैं कंपनीज नहीं बनाती, उनके लिए मैं एक चीज दिखा देता हूँ, सफायर, एसरॉक, आसूस, MSI, बायोस्टार, भैया सारी कंपनीज ये प्रोवाइड करती हैं। बात सिंपल है कि इंडिया में अभी ये चीजें इतनी अवेलेबल नहीं है और ना ही कोई प्रमोट कर रहा है। बाहर ये सब अवेलेबल है, बिल्कुल आउट ऑफ इंडिया जी, चाइना। आपने ऑक्टा माइनर का नाम सुना होगा, इट इज द वन ऑफ द मोस्ट प्रेफरेबल सर्वर केस जो बाहर के माइनर्स यूज करते हैं। बहुत अच्छे अच्छे लेवल के, चाइना, अमेरिका, जो अच्छे अच्छे लेवल के यूट्यूबर्स हैं जो माइनिंग कवर करते हैं, आपने देखा होगा, वो अभी इस टाइम पे एवरीवन हैज शिफ्ट टू ये ऑक्टा माइनर, क्योंकि उनको हैसल नहीं चाहिए कि वो बियर मार्केट में जाके कुछ चेंजेस करें या अपना टाइम वेस्ट करें।
ओके जी। बाकी भैया काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। एक ये जो कैलकुलेशन थी ना ये काफ़ी अच्छी थी एंड ये चीज़ आपने यूनिक बताई। बाकी मैं समझ पा रहा हूँ आप क्या कहना चाह रहे हो। कुछ लोग हाँ बोलते हैं, मैंने भी कई लोगों से पूछा था, उन्होंने बताया कि भैया इतने अच्छे होते हो तो कंपनी ना बना रही होती। हाँ एक चीज़ कोई बना रहा, कंपनीज बना रही है, एक चीज़ और अवेलेबल नहीं है भैया। एक चीज़ पूछनी थी, लास्ट जिसकी वजह से सर्वर केसेस के लिए ना लोग रुक जाते हैं लेने से, एक तो है कि एक तो लोग कहते हैं कि भैया इनकी कोई रीसेल वैल्यू नहीं है, लॉस होगा बाद में जब बेचोगे, दूसरा वारंटी कम देखने को मिलती है, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे भैया? कंपनी भी मदरबोर्ड पे एक साल की वारंटी देती है, ठीक है, एंड गेमिंग पे तो 3 साल मिलती है ना। गेमिंग जो आपके TB250 या जो माइनिंग के लिए बने हुए उस, ये भी माइनिंग मदरबोर्ड ही है, ठीक, इस पे 1 साल की वारंटी मिल रही है, डिसेंट वारंटी है, ठीक है जी। एंड जहाँ तक रीसेल की बात है, आपको बेचना ही क्यों है, आप अपग्रेड कर लो, ठीक है, और बाकी अगर आपको बेचना ही है, आप एग्जिट ही ले रहे हो, देन आपको जब ये रिग्स बिकती हैं तो इसमें एक डील होती है कि ग्राफिक कार्ड की ही वैल्यू होती है, ये जो बाकी चीज़ें होती हैं मदरबोर्ड, चाहे आप कोई सा भी ब्रांड का ले लो, ये आपका B450 ले लो, TB250 ले लो, ये इनकी कंबाइंड डील के हिसाब से प्राइस बनती है। मतलब आप कहना चाह रहे हो, हाँ, इनकी कोई वैल्यू नहीं रहती, मेन मेन वैल्यू ग्राफिक कार्ड की रहती है। जैसे 6 कार्ड की रहेगा 3060, अगर आपको आज बेचना है 25,000 के हिसाब से कार्ड बिकेंगे, ठीक है, अगर आपका मदरबोर्ड लगा हुआ है B450 मैक्स टू मैक्स वो 4,000 से 5,000 रुपए का चले जाएगा, वो भी पूरा कॉम्बो। मैं समझ गया आपका कहना चाह रहे हो, हाँ, मतलब राइजर केबल का कोई वैल्यू नहीं रहती, वैल्यू नहीं है जी, इसे बेच लो, इसको बेच लो जी, कोई 5-8 हज़ार का डिफरेंस। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी ये चीज कोई जो दूसरा माइनर है जो सेकंड हैंड लेना चाहता है उसके लिए भी बहुत, मतलब ही विल पे जो भी आप अमाउंट, जिसको नीड है ना, जो भी आप अमाउंट बोलोगे ही विल पे, डेफिनेटली पे, क्योंकि उसको नीड है इस चीज की। ओके सो गाइस, ये तो बिल्कुल आप पे एक डिपेंड करता है कि आप कौन सा लेना चाहते हो। बाकी मुझे कैलकुलेशन काफी अच्छी लगी पर्सनली, क्योंकि यहाँ पर जो एक कार्ड पे जो आपको पे करना पड़ रहा है कंपैरिजन टू गेमर, वहाँ पर आधा पे करना पड़ रहा है। बाकी ये आपकी कॉल है, आप किस पर जाना चाहते हो कि कैलकुलेशन की जो भैया ने बताई। बाकी भैया आप लोगों को पता ही है, मैं कई बार के साथ वीडियो बना चुका हूँ, पुरानी वीडियो को चेकआउट कर लेना, इनके पास क्या क्या पार्ट है, कैसे डील करते हैं, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। बाकी आगे बढ़ते कंटिन्यू करते हैं अपने भैया के साथ। कुछ चीज़ और पूछना चाहूँगा मैं, ये जो जितने भी कार्ड एंड ये पूरा फार्म है, आई थिंक आपने बताया था ना आपके पर्सनल पैसे से बना हुआ है। डेफिनेटली, इसमें मेरा सारा खुद का पैसा है, मैं ये नहीं है कि किसी और के पैसे पे खुद की एक्सपेंसिव हॉबी बना दूँ। राइट भैया, फिर भी बहुत अच्छा लग रहा है, इतने सारे कार्ड वो भी एक साथ। मुझे एक चीज़ बताइए, ये जो बिजनेस है आपका प्राइमरी बिजनेस है या पार्ट टाइम बिजनेस है? देखिए, हमारी जो कंपनी है हम मेनली कॉर्पोरेट से डील करते हैं, और जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, HNIs हो गए, मतलब हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, इन सब से हमारी डीलिंग रहती है। तो उनमें क्या होता है, हमें क्वालिटी प्रोवाइड करना होता है। ओके, आप अगर ऐसे ही कुछ भी लगा के दे दोगे, आप भूल जाओ उनको, ठीक है। इन सब लोगों से आपको अगर बिजनेस बनाए रखना है तो आपको क्वालिटी में फोकस करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, हम फार्म सेटअप करते हैं बड़े इन्वेस्टर्स के लिए, रिक्स पूरी मेंटेन करते हैं, हमारा टर्न की सोल्यूशन है, मतलब हैंड होल्डिंग, आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपका हाथ पकड़े रहेंगे, ठीक है, हर चीज़ में हम टेक ओवर करेंगे, परसेंटेज रहता है प्रॉफिट शेयर का, तो उससे क्या होता है हमारा भी उतना इंटरेस्ट रहता है, ये नहीं बस बेच के हम तो भूल गए, ऐसा नहीं है, हम खुद प्रेफर करते हैं कि एक प्रॉफिट शेयर रखें, तो उससे क्या है हम भी पूरे मोटिवेटेड रहते हैं और हम भी अप टू डेट रखते हैं कि वहाँ पर जो कार्ड लगे हैं उनके लिए क्या बेस्ट है, और कंडीशन क्वालिटी सब पे हमारा फोकस रहता है। हम सेकंड हैंड कार्ड भी सेल करते हैं, बल्क में, सिंगल में भी, आप एक लो या 1,000 कार्ड लो हमसे, आपको उतना ही रिस्पेक्ट मिलेगा। ओके, हमसे आप कार्ड लोगे, आपको मेजॉरिटी कार्ड्स के बॉक्सेस, बुकलेट, स्टिकर, केबल जो भी अंदर आता है, स्क्रैचलेस डब्बे रहते हैं हरे, ठीक है, डब्बे भी हम एक स्टोरेज रूम बना रखे हैं बस डब्बे रखने के लिए, हम ये नहीं फेंक दिया या ऐसी क्लोज करके रख दिए, वी मेंटेन क्वालिटी। ओके, बाकी आई थिंक ये आपका प्राइमरी काम नहीं है, सेकेंडरी है, प्राइमरी काम तो आपको कुछ और है। नहीं, मेरा प्राइमरी काम ही यही है और मेरा सेकेंडरी काम भी यही है। अच्छा, दोनों काम यही है। डेफिनेटली, आप कंपनी वो फार्म भी बनाते हैं एंड आपका खुद का ही फार्म है। देखो, कुछ लोग हैं वो हैं कि भाई, एक मैंने मूवी देखी थी हिंदी मीडियम, Part 2 या Part 1 कुछ था, तो उसमें एक वो पकड़ा जाता है कुछ, ठीक है, तो दूसरा जो थोड़ा गरीब पोर्ट्रे कर रहा कैरेक्टर, वो कहता है कि भाई पकड़ा गया, ठीक है, मतलब ये अभी गरीब नहीं थे, पहले अमीर थे, अब गरीब हो गए, फिर अमीर हो जाएंगे,
राइट, वो बोलते मैं तो खानदानी गरीब हूँ, राइट, तो हम क्या, हम खानदानी माइनर्स है, ठीक है, हम बेयर मार्केट में माइनिंग करते हैं, बुल रन में माइनिंग करते हैं, कुछ मार्केट कोई टाइम नहीं होता, हर टाइम कुछ लोग हैं बस आपको बातें दे देंगे, ठीक है, किस कोई नहीं करता है बड़ा माइनर जो हमारी नॉलेज में है, ठीक है, सब बोलते हैं, ठीक है, बेयर मार्केट में इनका प्राइमरी बिजनेस कुछ और रहता है, गेमिंग हो गया है या कुछ और हो गया, पीसी बनाने बैठ जाएंगे कुछ भी, आपको जिस चीज़ में बिलीफ है ना, अगर आप किसी को कोई सपना दिखा रहे हो तो पहले आप भी वो चीज़ कर लो पूरी, कुछ लोग बिना नॉलेज के भी यू नो पूरी नॉलेज बांट रहे हैं, ठीक है, ऐसे नहीं करना चाहिए, उनके लिए तो मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, छोटी बच्ची हो क्या, यू नो ये सब सब यार बेकार है, तुम अगर रिग बना रहे हो तो एक माइनर से बनवाओ जिसका काम माइनिंग करना है, ठीक है, दुकानदार वाले ये सीजनल माइनर्स ये सब आपको पैसा लेके भग जाएंगे और कुछ नहीं होगा। ओके, बाकी बल्क ग्राफिक कार्ड में भी डील करते हो, बल्क ग्राफिक कार्ड कुछ और हो जाता है, बट ठीक है, आपने काफ़ी अच्छी चीज़ बताया कि आपका ये प्राइमरी बिजनेस भी है एंड सेकेंडरी बिजनेस भी है, आप यहाँ से खुद माइन भी करते हो, रीसेल भी करते हो एंड नया कार्ड भी देते हो एंड रिग भी बनाते हो, तो इसका मतलब ये जो हमारी ऑडियंस है वो भी आपसे बनवा सकती है डेफिनेटली। बाकी मुझे दो तीन चीज़ें और बताओ, और जैसे व्हाट अबाउट अगर मैं रीसेल के बारे में बात करूँ, वो तो आपने क्लियर कर ही दिया, आप रीसेल भी नहीं कर देते हो कार्ड को, आप अकॉर्डिंग टू कि कौन सा कार्ड आपको कब लगता है कि उसे रीसेल कर देना चाहिए, और अब बात आ जाती है लोगों के भलाई के लिए, लोगों के लिए क्या करना चाहिए, आज के टाइम पर आप क्या सजेस्ट करोगे किस कार्ड किस कार्ड के साथ रिग बनानी चाहिए, दो ऑप्शन आ जाते हैं ओल्ड कार्ड न्यू कार्ड, क्या सजेस्ट करोगे आप? देखो कुछ लोग हैं जो बस यही बोलेंगे भाई 30 सीरीज लो, राइट, क्योंकि वो उनके पास हाथ में है ही नए कार्ड, उनका एक कारण होता है कि जो उसके अंदर एक हैसरेट कीमत है ना वो आई थिंक 900 के आसपास पड़ेगी, मैं समझा नहीं आपकी बात, जैसे कोई 3060 है वो 48 मेगाहर्ट्ज देता है, अगर उसकी प्राइस पर मेगाहर्ट्ज आप बोल रहे हैं पर मेगाहर्ट्ज जी 900 के आसपास पड़ती है, 700-800 में पड़ जाती है उसकी, कम हो गया प्राइस, गिर गया थोड़ा डे बाय डे, बट मैं यहाँ पर सारी चीजें इंक्लूड करके बता रहा हूँ, पावर सप्लाई हाँ, फिर वो 900 के आसपास हो जाएगा, तो 900 के आसपास हो जाती है, अदरवाइज 750 आती है, तो यूज कार्ड में क्या आता है डिफरेंस सारी चीजें को मिला के? देखो आप पहले ये देखो कि आपके जो सर्कल है कितना बड़ा है कैसा है, ठीक है, आपको लोग बोल रहे हैं गेमिंग में बेच देना कार्ड जब रीसेल करना हो, तो भाई गेमर तो वो देखेगा ना गेमिंग परफॉर्मेंस कितना है, मैंने एक बंदे का वीडियो देखा, ठीक है, वो बंदा कुछ मैंने पहले बोल रहा है भाई 1660 सुपर लो, AMD का 6600 XT मत लो, राइट, आज की तारीख में 1660 सुपर 20,000 से कम हो गया यूज्ड, राइट, 6600 XT 20,000 से कम नहीं गया, वो अभी भी 22-25,000 के रेंज में बिक रहा है यूज्ड, क्योंकि गेमिंग का परफॉर्मेंस ही अब काम आएगा ना, अब ये मेगाश भूल जाओ बेयर मार्केट में, ठीक है, आपको आप सरप्राइज होगे सुन के कि भाई 3060 से ज़्यादा परफॉर्मेंस पुराना GTX 1080 8GB दे देता है गेमिंग में, 1080 3060 से 8% ज़्यादा परफॉर्मेंस देता है गेमिंग में, तो अगर आपको रीसेल वैल्यू देखनी है तो आप ये देखो ना कि भाई गेमिंग में तो ये बेटर है, अभी सस्ता मिल रहा है, राइट, आपको इतना रीसेल में लॉस नहीं होगा, राइट, अभी क्योंकि 1020 सीरीज इन लोगों के कारण अच्छा हुआ है कि थोड़ा प्राइस कम हो गई है, राइट, तो आपको जो सस्ते में मिल रहा है आप ले लो, ये मत रखो माइंड सेट कि 30 सीरीज लूंगा 40 सीरीज आएगी तब लूंगा, जो प्राइस क्या सजेस्ट करोगे, जैसे न्यू वन में जाता है अगर पूरा कॉम्बो बनवा लेते हैं तो एक मेगाहर्ट्ज की 900 कुछ बैठती है 930, ओल्ड वन में जाएंगे तो क्या मेगाहर्ट्ज क्या रेट बैठेगी? देखो अगर आपका न्यू से ₹1 भी कम मिल रहा है ना यूज्ड, मैं तो यूज्ड ही लूंगा, ₹1 भी कम मिल रहा हो, मतलब ये नहीं कि भाई 2-3 साल चला हुआ कार्ड, मान लो 1 महीना पुराना कार्ड है वो तो बोलने की बात हो गई, मेरा कहने का मतलब है कि मान लो अभी आप कह रहे हो ₹1,000 पर मेगाहर्ट्ज नहीं की, ठीक है, तो अगर मैं कह रहा हूँ मेरे को ₹900 में या ₹800 में यूज्ड मिल रहा है, कुछ लोग क्या बोलेंगे यार ये तो थोड़ा ही डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस है, आप देखो ना आप अपनी ROI कैलकुलेशन भी कर रहे हो तो आपके तो काफ़ी महीने कम हो गए, राइट, अगर जब आप आगे बेचोगे आपसे तो कोई पूछने वाला नहीं है ना, फर्स्ट ओनर है सेकंड ओनर है, गाड़ी थोड़ी है, आप चेक करके लो कार्ड बढ़िया काम कर रहा है आप यूज्ड लो, आपका बिजनेस है कस्टमर पे कि उसे क्या पसंद आता है, क्योंकि कुछ जगह पर थोड़ा सा यूज सामान खरीदना अच्छा नहीं माना जाता कुछ धर्म में, अरे अगर किसी के पास यूज सामान है बेचने को राइट तो वो यूज्ड ही पुश करेगा, राइट, अगर किसी के पास न्यू सामान है तो वो न्यू ही पुश करेगा, देखो न्यू सामान की रीसेल है ना हमेशा गिरती है, ओके, यूज सामान की वैल्यू हमने ऑलरेडी प्रिडिक्ट कर ली है कि कितने तक गिर सकती है 50% चली जाएगी, नहीं अगर आप 3060 भी अगर आप अभी 37-36 का भी ले रहे हो राइट तो इसकी वैल्यू गिर के आ जाएगी 15-20,000 कुछ महीनों में अगर मार्केट ऐसे ही चला तो, अगर आप आज एक 1080 लोगे वो 15,000 के अंदर मिल जाएगा आपको कार्ड, या 15,000-16,000-18,000 तक मिल जाएगा वो 1080 8GB, उसकी वैल्यू कहाँ तक गिरेगी, 10 से नीचे तो नहीं जाएगी,
राइट, 12-13 आपको हमेशा मिल जाएंगे उस कार्ड के। तो ये एक चीज है, ये सब चीजें आप एक्सपीरियंस से बता सकते हो। तो मतलब आप ज्यादा डिमांड कहोगे कि अगर यूज कार्ड मिल रहा है तो उसके साथ रिग बनाने में बेनिफिट है। ओके, पावर एफिशिएंसी जब काम आएगी, जब आप मान लो बहुत बड़े स्केल पे हो, आप स्टार्ट कर रहे हो, राइट, आप पहली रिग बना रहे हो, 2-3 रिग ही बना रहे हो, तो आपको जो कार्ड मिल रहा है सस्ते में आप उससे बनाओ, ठीक है। ये माइंडसेट मत बना लो कि भाई मेरे को यही कार्ड चाहिए, आपको यूज्ड मार्केट एक्सप्लोर करो, आपको जो कार्ड बेस्ट प्राइस में मिल रहा है उसमें लो। बाकी मैं क्या कहना चाहूंगा, ये टाइम बेस्ट है रिग बनाने के लिए जहां पर मार्केट काफी गिर चुकी है या फिर थोड़ा सा रुकना चाहिए? फिर देखो मेरे ख्याल से प्राइस है ना अब थोड़ी आके फिक्स हो गई है, यूज्ड में भी न्यू में भी। ओके, तो आप जब भी चाहो बना सकते हो यार, अगर आपने नई रिग बनाई होती उस टाइम पे और मतलब थोड़े महीने पहले, आपने मान लो अभी जो कार्ड 50,000 का है आपने 80,000 में लिया था कुछ महीने पहले, राइट, और अगर आपकी स्ट्रैटेजी उस टाइम थी कि भाई मैं बुल रन में कुछ सामान खरीद रहा हूँ तो मेरी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए मैं डेली बेचूँ जो बन रहा है, अगर आप वैसे करते तो आज भी आप थोड़े प्रॉफिट में रहते। अगर आप बस होल्ड कर रहे होते बुल रन में खरीदा सामान को, उससे बना प्रॉफिट को, तो आप लॉस में होगे। तो मतलब ये बेस्ट टाइम है खरीदने, बेयर मार्केट में जो आप खरीद रहे हो, जो माइन कर रहे हो उसको होल्ड करो, बुल रन में जाके चाहे आपका ग्राफिक कार्ड हो, मदरबोर्ड हो, कुछ भी हो, इन सबको बेचो अच्छी प्राइस में, डबल प्रॉफिट मिलेगा आपको। अच्छा भैया, अब आ जाते हैं आखिरी ऐसा सवाल जिसके लिए काफी लोग वेट कर रहे हैं, मतलब पूछ रहे हैं कि आज भाई उसके उस टॉपिक पर आ जाना, जो है रेवेन्यू अर्निंग प्रॉफिट। ओके, तो आई थिंक 600 का आ रहा है, तो भैया टोटल मेगा हैज का, यार मेगा हैज भी कैसे बता पाओ क्योंकि अलग अलग कार्ड अलग अलग उस पर चल रहा है। देखो कुछ चीजें तो हमें भी थोड़ा कॉन्फिडेंस रखना पड़ता है, ठीक है, पर मैं आपको इतना बोल सकता हूँ कि यार हम माइनिंग कर रहे हैं तो अभी जैसे की डिफिकल्टी बढ़ गई है। अभी मान लो हमें 10 कार्ड से 0.1 इथेरियम बन रहा है, लेट्स से, राइट, तो उन्हीं 10 कार्ड से हमें 1 इथेरियम बन रहा था पहले, मतलब 1-2 साल पहले। तो अगर मैं बेयर मार्केट में माइनिंग कर रहा हूँ, मैंने होल्ड करा है, तो मेरे पास है काफी, मैं एवरेज आउट करूंगा तो मेरा आज भी मैं एवरेज आउट करूंगा, अगर किसी से मेरा 0.1 बन रहा है, नहीं, मेरा आज भी 0.5 बन रहा है क्योंकि मैंने होल्ड करा है उसको। एवरेज आउट में 0.5 निकलेगा, लेकिन आज के टाइम पे भी ये जो 600 कार्ड है, अगर माइन करने का देखा जाए इथेरियम कितना माइन कर देते हैं ये आपको यार, ये फिर भी कुछ भी बताना चाहो, 10 से ऊपर हो जाते हैं, 10 इथेरियम माइन कर देते, उससे ऊपर हो जाते हैं, मैंने कहा उससे ऊपर हो जाते हैं ये 600 कार्ड मिलके। अब कितने बैठते हैं वो तो लोगों को पता ही है, 1,00,000 के आसपास इथेरियम चल रहा है, तो उस हिसाब से भी कैलकुलेट करें 10 से ऊपर तो 10,00,000। ये मान लो कि जब अभी थोड़ा टाइम पीक पे था तो हमने 1 CR से ऊपर प्रॉफिट मंथली करा है। क्या, कितना? 1 CR से ऊपर मंथली प्रॉफिट करा है हमने, 1 CR से ऊपर प्रॉफिट करा हर महीने, जब ये मतलब 3.5-3 लाख के आसपास था इथेरियम। अच्छा, उस टाइम कार्ड भी ज्यादा होंगे, मेरे पास स्क्रीनशॉट है, मैं दिखा दूंगा आपको, जो प्रॉफिट हमारा दिखा रहा था मैं दिखा दूंगा। ओके, मतलब 1 करोड़ भी आपने कमाया एक महीने के अंदर, जब कार्ड थोड़े ज्यादा यहाँ पर लगे हुए थे। तो गाइस देख लो इतनी कमाई हो जाती है, मतलब 1-1 करोड़ का भी, मतलब इसमें देखो इसमें पता है क्या, कमाई आपकी तभी होगी जब आप सही पार्टनर पकड़ोगे। सही पार्टनर मतलब आपका, जो अगर मान लो मैं आपका पार्टनर हूँ, आपको इन्वेस्ट करना है, आपको इंटरेस्ट है इस फील्ड में, मैं आपका पार्टनर बना, ओके, तो हम आपको ए से लेकर जेड तक आपकी हेल्प कर रहे हैं, आपका सारा काम हम कर रहे हैं, राइट, तो ये नहीं कि बस मैंने आपको बेच दी और मैंने आपको ब्लॉक कर दिया, भूल गया, राइट, फिर तो आप क्या होगा, डीमोटिवेट भी हो जाओगे, हो सकता है बेच भी दो अपना सामान। बिल्कुल भैया, काफ़ी सारे लोग हैं, दिल्ली में नाम भी लूँगा, वो ऐसा करते हैं, लोगों को सामान देते, बाद में सर्विस नहीं देते, फ़ोन नहीं उठाते, आई थिंक लोग समझ भी होंगे। यार मैं पर्सनली बोलता हूँ यार, आप साउथ से कुछ भी डील करोगे ना, आपका हर मेजॉरिटी बंदों का ये एक्सपीरियंस है कि हमें ये सब पसंद नहीं है ज़्यादा। साउथ में तो आई थिंक नाम ऐसा कुछ खराब नहीं है, थोड़ा दिल्ली साइड है कुछ लोग है, पीसफुल रहना पसंद है, ठीक है, और मेरा पर्सनली गोल ये रहता है कि भाई हम इस कम्युनिटी को कितना बढ़ा सके, बहुत छोटी कम्युनिटी है यार माइनिंग की कम्युनिटी, इंडिया में भी बहुत छोटी है, ज्यादा लोग है नहीं, और सब एक दूसरे से लड़ रहे हैं, मेरा बेटर है उसका बेकार है ये वो है, ऐसा मत करो। पहले जो बंदा माइनिंग में घुस रहा है नया, तुम उसके लिए एक अच्छा पर्सन बन के दिखाओ सामने, तो भाई वो आपको ब्लाइंडली ट्रस्ट करे। आप बोल रहे हो ये कस्टमर बेवकूफ़ है, ऐसा नहीं होता, कस्टमर बेवकूफ़ नहीं है, आप ये देखो वर्ल्ड में ट्रस्ट नाम की भी एक चीज़ होती है, राइट, अगर मैं किसी चीज़ के बारे में कुछ जानता नहीं हूँ, मैं किसी के पास गया कि भाई उस जिसका नाम है, जिसने दिखाया है ऐसे कि भाई मेरे को ट्रस्ट करो आके, मेरे को सब आता है, तो मैं उसी के पास जाऊँगा ना, राइट, जो दिखता है वो बिकता है, और वहाँ जाके उन लोगों ने कुछ ख़राब करा है तो भाई ये कस्टमर बेवकूफ़ वाली बात नहीं है यार। अगर मेरे को कल को लैम्बोर्गिनी खरीदनी है,
राइट और मेरे को गाड़ी के बारे में ज्यादा आइडिया नहीं है तो मैं कितना भी रिसर्च कर लूंगा एंड में जो मेरा मैकेनिक रहेगा वही मेरे को सही एडवाइस देगा ना। मतलब कस्टमर डिपेंड होता है सेलर के ऊपर कि वो भरोसा करके आता है कि मुझे सही सजेस्ट करा जाएगा। देखो आप कंप्यूटर शॉप वाले से ये जो सीजनल माइनर है ना जो बस मौसम के साथ आते हैं और निकल जाते हैं इन सबसे रिग मत बनाओ। ओके बाकी भैया वीडियो काफी लंबी हो गई है और सोचा नहीं था वीडियो में इतना मतलब लंबी हो जाएगी इतनी लंबी वीडियो बनी है काफी। okay. बाकी टाइमलाइन मैंने दिए थे शायद आई थिंक लोगों को जो जो पॉइंट कवर करना है वो कवर कर सकते हैं वीडियो को एक दो बार भी देख सकते हैं शायद हो सकता है कहीं से थोड़ी बोरिंग होगी हो बट थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज हमने काफी सारी चीजें इसमें कवर करी है एंड एंड में बस ये कहना चाहेंगे यार इतना बड़ा फार्म है किसी को फार्म बनवाना हो अपना रिग बनवानी हो कुछ भी तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। डेफिनेटली मैं अपना नंबर आपको दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में डाल देना स्क्रीन पे भी डाल देना एंड कोशिश करना कि कॉल करके व्हाट्सएप कर ले क्योंकि वो इजी रहता है भैया अगर कुछ काम करोगे तो डिस्टर्ब भी नहीं होंगे व्हाट्सएप पे अच्छे से बात हो जाएगी एंड फिर तो भैया आपके और के बीच की बात है क्या रहता है डिसीजन। बाकी बस वीडियो में यही खत्म करते हैं थैंक यू सो मच यार आप ऐसे आते रहिए एंड यू नो आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आप और भी फार्म कवर करिए ठीक है वहाँ से कुछ नॉलेज दीजिए अपने व्यूअर्स को आई एम हियर फॉर द कम्युनिटी ठीक है मेरे को इतना कुछ पैसे का लालच नहीं है डोंट वरी रिलैक्स।